सभी जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड सितारों को फिल्म में काम करने के बदले में कितनी फीस मिलती है। यहाँ पर कुछ सितारों की फीस बताई जा रही है जो विभिन्न स्रोत से जुटाई गई है। रणवीर सिंह, बाजीराव मस्तानी के पहले रणवीर सिंह को 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच मिलते थे, लेकिन बाजीराव मस्तानी की सफलता के बाद रणवीर सिंह 10 करोड़ रुपए लेते हैं। वरुण धवन 5 से 7 करोड़ रुपए लेते थे, लेकिन बद्रीनाथ की दुल्हनिया की सफलता के बाद उनकी फीस 10 से 12 करोड़ रुपए हो गई है। रणबीर कपूर की फिल्में भले ही फ्लॉप हो रही हों, लेकिन वे फ्लॉप नहीं हुए हैं, उनकी डिमांड बनी हुई है। रणबीर 20 से 25 करोड़ रुपए प्रति फिल्म लेते हैं। अमिताभ बच्चन, भले ही उम्र 75 के करीब है, लेकिन कई युवा सितारों से बिग बी की फीस ज्यादा है। प्रति फिल्म करने के बदले में 12 से 15 करोड़ रुपए लेते हैं। ऋतिक रोशन, कम फिल्म करने वाले ऋतिक रोशन की फीस 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच रहती है, कई बार वे इससे भी ज्यादा रकम लेते हैं। अजय देवगन फिल्म के बजट को देखते हुए अपनी फीस कम या ज्यादा करते रहते हैं, वैसे उनकी फीस 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच रहती है। अक्षय कुमार 40 से 50 करोड़ रुपए तक लेते हैं, कभी कभी मुनाफे में हिस्सा भी ले लेते हैं, जैसे जॉली एलएलबी 2 में उन्होंने फीस के बजाय मुनाफे में हिस्सा लिया और 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। आमिर खान चाहे तो 50 से 60 करोड़ रुपए तक फीस ले सकते हैं, लेकिन वे फिल्म के मुनाफे में भागीदारी कर ज्यादा कमाते हैं, वे 80% तक हिस्सा लेते हैं। दंगल जैसी फिल्म करने के बदले में उन्होंने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया। शाहरुख खान की फीस कम ज्यादा होती रहती है। करण जौहर या आदित्य चोपड़ा की फिल्म करते समय वे फीस नहीं पूछते, जो दिया जाता है वो रख लेते हैं, वैसे वे 40 से 45 करोड़ रुपए तक लेते हैं। वे भी आमिर का अनुसरण करते हुए लाभ में हिस्सा बांटते हैं, अपनी फिल्मों की मार्केटिंग के जरिए भी वे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। सलमान खान फिल्म की कमाई में से हिस्सा लेते हैं, उनकी फिल्म की कमाई में से 70 से 85% तक की भागीदारी होती है। सुल्तान में उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा कमाया, वैसे फीस वे चाहें तो उन्हें 60 करोड़ रुपए तक या इससे भी ज्यादा मिल सकती है।